तो दोस्तों ये है पोको का M2 और आज हम बात करने वाले इसका डुअल 4G वोल्टी टेस्ट के बारे में। इसमें दो सिम एक साथ वोल्टी काम करता है कि नहीं, 4G कैसे काम करता है और यहाँ पे वीवो वाईफाई कैसे काम करता है और नेटिव वीडियो कॉल का सपोर्ट है कि नहीं, इन सब के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे व्यूअर्स को पता होता है, उनके लिए ईजी है जानना, तो वो लोग ये वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं। जिनको इसके बारे में जानना है देखते रहिए इस वीडियो को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो जियो सिम है, इन दोनों को हम लगा के यहाँ पे ट्राई करेंगे। मेरे पास एक्चुअली दो जियो सिम है, पहले जियो एयरटेल यूज करता था, आजकल दोनों जियो है, एक को चेंज करने वाला हूँ मैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको हम करते हैं यहाँ से सिम ट्रे को ओपन। तो कुछ इस प्रकार का आपको यहाँ पे सिम ट्रे मिल जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आप लगा सकते हैं दो सिम और साथ साथ यहाँ पे आप एक माइक्रो एसडी कार्ड भी लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं दो सिम का स्लॉट मिलता है, साथ साथ यहाँ पे आपको माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट मिल जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे मैं करता हूँ सिम को इंसर्ट और ये देखिए जैसे ही इंसर्ट किया नेटवर्क भी आ चुका है, बहुत ही फास्ट से आ चुका है और यहाँ पे नेट भी ऑन हो चुका है। तो जल्दी से मैं यहाँ पे आपको सेटिंग में जाके कुछ दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और यहाँ से हम जाते हैं मोबाइल एंड नेटवर्क को। ये देखिए सिम कार्ड है मोबाइल नेटवर्क, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे सेटिंग मिल जाता है, पहले वो बताया था। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले चेक करना है ये ऑन है कि नहीं, यानी कि डुअल 4G वोल्टी ऑन है कि नहीं। तो ये अगर ऑन नहीं होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अलाउ 4G कनेक्टिविटी टू बोथ सिम स्लॉट, तो इसके लिए ये आपको जरूरी है ऑन करना। अगर आप नहीं किए होंगे या फिर ऑफ भी होगा तो आप उसको कर देना। उसके बाद और एक जरूरी चीज है जो कि अभी देखिए यहाँ पे बंद है, इसको भी ऑन कर देना। यूज मोबाइल डाटा ड्यूरिंग वोल्टी कॉल्स ऑन सेकेंडरी सिम। तो यहाँ पे अगर आप पहले सिम में नेट कर रहे हैं तो दूसरे सिम में कॉल आएगा, वोल्टी कॉल आएगा, इसके लिए इसको अलाउ करना है। ये हमेशा अलाउ करके रखना बहुत ही जरूरी चीज़ है। तो इसको मैं हम करते हैं अलाउ, ओके कर देते हैं हम यहाँ पे। उसके बाद और क्या जानने की जरूरत है, तो यहाँ पे आप इंटरनेट को सेट कर सकते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। अब यहाँ पे एडवांस सेटिंग भी थोड़ा दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क का दिखा रहा है, जितना जानने का जरूरत था सब यहाँ पे मैं बता दिया हूँ। अब आगे बढ़ते हैं और हमारा टेस्ट करके देखते हैं नेट ऑन है और दूसरे सिम में कॉल आ रहा है कि नहीं। एक बार दिखा दूंगा क्योंकि एक बार काम करते तो दोनों में काम करेगा, इसलिए मैं एक ही बार दिखा दूंगा। और यहाँ पे आपको नेटवर्क भी दिखा देता हूँ मैं, ये दोनों में आपको वोल्टेज दिखा रहा होगा, आप देख सकते हैं। और जो लाइटअप आपको दिख रहा होगा अभी स्क्रीन में, वो एक्चुअली उसका सेंसर का है, मोबाइल का सेंसर का है। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन लाइट वगैरह दिखाई नहीं देता है। अब आगे बढ़ते हैं और जल्दी से हम कॉल करके देखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको नेट जो है यहाँ पे 1 लिखा रहा होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 लिखा होगा। तो सिम 1 पे यहाँ पे नेट ऑन है, तो हम सिम 2 को कॉल करेंगे और रिसीव हो रहा है कि नहीं देखेंगे। तो जल्दी से मैं करता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिम 1 पे नेट ऑन था लेकिन सिम 2 पे कॉल रिसीव हो रहा है, बहुत ही आसानी से, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। और यहाँ पे नेटवर्क भी वोल्टी आपको दिखा रहा होगा। तो जैसे कि आप देख चुके होंगे बहुत ही आसानी से कॉल आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है और वोल्टी भी शो कर रहा है। किसी का वोल्टी शो नहीं करता, कभी कभी नेटवर्क के इश्यू चलते नहीं करता होगा, लेकिन यहाँ पे आपको दिखा दिया जैसे कि यहाँ पे वोल्टी शो कर रहा है बहुत ही अच्छी तरह से। और आपको पता भी चल गया कि सिम 1 पे यहाँ पे नेट ऑन था लेकिन सिम 2 पे कॉल रिसीव हो रहा था, बहुत ही आसानी से, कोई दिक्कत नहीं हो रहा था। अब आगे चलते हैं और आपको पहले नेटिव वीडियो कॉल का सपोर्ट दिखा देता हूँ, उसके बाद हम वीवो वाईफाई के बारे में बात कर लेंगे। तो पहले आपको यहाँ पे नेटिव वीडियो कॉल का सपोर्ट है कि नहीं वो दिखा दो, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स का भी सवाल रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेटिव वीडियो कॉल का सपोर्ट मिल रहा है और साथ साथ यहाँ पे अगर हम ऑन करेंगे तो ये ऑन भी होगा। तो ये था दोस्तों इसका नेटिव वीडियो कॉल का ऑप्शन, आपको पता चल गया हो काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। और मैं ये जियो टू जियो किया था इसलिए बहुत ही आसानी से हो गया था। कभी कभी अगर आप जियो टू एयरटेल करेंगे या फिर एयरटेल से वोडाफोन करेंगे तो उस टाइम में दिक्कत भी हो सकता है, बीच बीच कभी कभी होता है, लेकिन अगर सेम नेटवर्क पर आप कॉल कर रहे हैं तो नेटिव वीडियो कॉल बहुत ही आसानी से काम कर लेता है। अब आखिर में आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर आपको वीवो वाईफाई कैसे एक्टिवेट करना है और क्या कुछ करना है, वो भी मैं जल्दी से दिखा देता हूँ। तो वीवो वाईफाई को पहले ऑन करने के लिए सबसे पहला है कि यहाँ पे आपका वाईफाई को ऑन करना जरूरी है, तो मैं यहाँ पे आपको वाईफाई को ऑन कर देता हूँ, यानी कि जो घर का ब्रॉडबैंड है वो पहले कनेक्ट होना चाहिए। और यहाँ पे मैं वाईफाई कनेक्ट कर दिया हूँ। अब देखते हैं कि सेटिंग में वीवो वाईफाई एक्टिव है कि नहीं। तो हम जाते हैं सेटिंग, सेटिंग के बाद आपको जाना पड़ेगा यहाँ पर सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क। उसके बाद हर सिम के लिए पहले अगर आप चाहें तो इसको ऑन कर सकते हैं, इसको ऑन कर सकते, पहले हम इसमें जाते हैं और यहाँ पे देखिए नीचे आपको ऑप्शन मिल रहा है, आपको दिखा देता हूँ।
तो यहाँ पे ये देखिए नीचे आपको ऑप्शन मिल रहा है वाईफाई कॉल के लिए, तो इसको एक्टिव कर देना है। अगर ये ऑन नहीं होगा तो इसको ऑन कर देना, नहीं तो ये ज़्यादातर बाय डिफॉल्ट ऑन ही रहता है। तो यहाँ पे करना है ये भी दिखा तो और एक बार कि सिंपली जो भी सिम को आपको एक्टिव करना है उसके लिए यहाँ पे नीचे जाना है और यहाँ पे आप इसको एक्टिव कर सकते हैं। ये देखिए मेक यूजिंग कॉल वाईफाई, इसको दोनों में ऑन कर देना और उसके बाद कुछ नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं तो वाईफाई आपको दोनों में दिख रहा होगा। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से आप इसको एक्टिव कर सकते हैं। और बहुत सारे व्यूअर्स पूछते रहते हैं कि इसके लिए अलग चार्जेस लगता है या फिर ये पूरा फ्री है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक फैसिलिटी है कि आपको रूम के अंदर बेसमेंट या फिर टेरिस में कहीं पर जहाँ पर नेटवर्क का प्रॉब्लम है वहाँ पर बहुत आसानी से आप एचडी कॉलिंग कर पाएंगे, उसके लिए फैसिलिटी दिया गया है। इसमें कुछ चार्जेस नहीं होता है और बोल सकते फ्री भी नहीं है, क्योंकि अगर आप सिम जो आपका जितना ही पैक डाल रहे हैं वो अगर नहीं डालेंगे तो आप वाईफाई कॉल भी नहीं कर पाएंगे। तो फ्री तो नहीं है लेकिन चार्जेस भी एक्स्ट्रा नहीं है, जैसे आप नॉर्मल कॉल करते हैं उसी तरह ये है। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और आई होप आपको पता चल गया हो कि पोको M2 में क्या कुछ होता है, यानी कि वोल्टी काम करता है कि नहीं, व्यूअर पे कैसे काम करता है और नेटिव वीडियो कॉल का सपोर्ट है कि नहीं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा पोको M2 के बारे में। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, इस तरह वीडियो और देखना है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब बटन आपको नीचे मिल जाएगा। और एक सबसे जरूरी बात कि मेरा नाम है सुमन, आप देखिए टेक बैंड यूट्यूब चैनल। मैं मिलता हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।